हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी नोज सर्जन। दोस्तों, बात करते हैं आज कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्नोरिंग, खर्राटों के दुष्परिणाम। क्या आपने सोचा है कि ऐसा भी होता है? यस, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले ऐसे अनेक हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों, बात करते हैं स्नोरिंग। जैसे हमने पिछले वीडियो में जाना था कि स्नोरिंग क्या है, स्नोरिंग के क्या कारण हैं और स्नोरिंग का क्या मैनेजमेंट है, हमने बड़े डिटेल में अच्छा डिस्कशन किया था। बट इस वीडियो में दोस्तों हम बात करते हैं कि वास्तव में स्नोरिंग से क्या क्या हमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हाँ, रियली दोस्तों, सबसे पहले शारीरिक कॉम्प्लिकेशंस। दोस्तों, हम ब्रीदिंग करते हैं नोज से, ब्रीदिंग करते हैं माउथ से। रियली दोनों में डिफरेंस है। अगर माउथ से ब्रीदिंग सही था तो गोड़ को नोज की ज़रूरत नहीं थी, नोज बनाता ही नहीं। जब हम ब्रीदिंग करते हैं हमारे नोज से, तो दोस्तों जो हमारी एयर है, क्योंकि हमारा नोज जो है, यहाँ पे जो है हमारे एक साइनस जो एक सिस्टम होता है उससे स्ट्रक्चरली अंदर जुड़ा हुआ था। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो वो एयर फिल्टर होती है, एयर में ह्यूमिडिफिकेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। वातावरण में जो आज 50 डिग्री टेम्परेचर है या लद्दाख में गए माइनस में है, तो अपने को बॉडी के अकॉर्डिंग जो है वो एयर को ठीक करता है। ये है हमारा साइनस का वर्क और नोज का वर्क जो हम नोज से लेते हैं। बट अगर हम ये नोज़ से ब्रीदिंग नहीं करके मुंह से ब्रीदिंग करते हैं, तो दोस्तों ये जो ड्राई एयर जो अंदर जाती है, गला सूखता है, पेशेंट की हर घंटे आँख खुलती हैं, रात को सो नहीं पाता, बार बार टॉन्सिल में इन्फेक्शन होता है, गले में खराश की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पेशेंट्स को एसिडिटी होती है, वो कभी इस करवट सोएगा कभी इस करवट सोएगा, और पेशेंट इतना बेचैन रहता है कि रात को सर 10 बार मेरे को उठना पड़ता है बार बार। वो मैंने बहुत सारे दोस्तों ऐसे पेशेंट देखते हैं कि वो पानी की बोतल साथ लेके सोते हैं और हर खड़े होंगे फिर पानी पियेंगे, खड़े होंगे और फिर पानी पियेंगे, और अथाह जांचें करा लेते हैं, उनको लगता है मेरे को तो डायबिटीज़ हो गई। दोस्तों, जब हम माउथ ब्रीदिंग करते हैं तो जो ड्राई एयर हमारे थ्रोट में जाती है, हमारा गला सूखता है, गला चोक होता है, एंड बहुत बार क्या है, ये जो चीज़ है वो इतनी भयानक रूप कर लेती है कि बहुत सारे लोग साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं। उनको लगता है कि ये तो रात को डरता है, ये रात को इसको प्रॉपर नींद नहीं आती है। सो दोस्तों, एक कॉम्प्लिकेशन शारीरिक। दूसरा, जब हम नोज से ब्रीदिंग नहीं करके माउथ ब्रीदिंग करते हैं, तो दोस्तों हमारा ऑक्सीजनेशन है ब्लड का, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तीसरा, हमारा जो हार्ट है उसको दोस्तों बहुत हैवी वर्क करना होता है। आपके पास एक एडिक्वेट अमाउंट में सामान है तो एक चक्कर में आप सबको सर्व कर सकते हैं, बट लेकिन आपके पास एडिक्वेट सामान नहीं है तो आपको बार बार चक्कर मारना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे हार्ट को बार बार पंप करना पड़ता है और हमारे उस बॉडी के जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के लिए, तो लंबे समय पे जो है हमारे हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अमूमन हम ध्यान नहीं देते। ध्यान कब देते हैं? जब आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो आपको कहता है कि आपकी तो 90% ब्लॉकेज है, स्टंट डालेंगे, छल्ले डालेंगे, डालो डॉक्टर साहब, तुरंत डालो, ज़मीन बेच के डालो, क्योंकि अभी तो क्या है कि जन्य मरने की बात आ गई। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि मेरे को स्नोरिंग की प्रॉब्लम है या मेरे को उसका जो है मैनेजमेंट कराना चाहिए? वो आज नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों, ये भी एक कॉम्प्लिकेशंस है। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, एक ऐसा कॉम्प्लिकेशंस जो रियली कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में या आपके दोस्तों में भी, मैरिटल कॉम्प्लिकेशंस। आपकी जो सेक्सुअल कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है, पार्टनर की ये भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जो है आपको, आपकी जो स्नोरिंग होती है, उस स्नोरिंग के कारण जो आपका पार्टनर आपके साथ नहीं सो के दूसरे वाले रूम में सोता है, आपके बच्चे आपके साथ नहीं सो पाते और आपको एक अलग से रूम दे दिया जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं स्नोरिंग के कारण। दूसरी, इसके अलावा दोस्तों, बहुत बार अगर आप घर से निकल के ऑफिस जाते हो, डे टाइम स्लीपनेसनेस, आपको हमेशा ऑफिस में ऐसा लगेगा थोड़ी देर सो लूँ, थोड़ी देर सो लूँ। बहुत बार क्या, आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। आपकी लाइफस्टाइल के अंदर आपको जो, आप जो एक अलर्ट रहना चाहिए आपके जॉब के टाइम पे, वो हम नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा है, हम सो लेते हैं। एंड दोस्तों, बहुत बार स्नोरिंग की अत्यधिक मात्रा के कारण रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग गाड़ी ड्राइविंग करते हैं और उनको चलाते चलाते नींद आ जाती है, क्योंकि उनकी रात की स्लीप साइकिल पूरी नहीं होती। जब तक 8 घंटे की स्लीप साइकिल पूरी नहीं होगी, आप ऑफिस में इरिटेट रहोगे, आपको नींद आती रहेगी,
आपका वर्क एफिशिएंसी कम होगी, आपकी सेक्सुअल एफिशिएंसी कम होगी, तो इन सब से आपको क्या हुआ, फाइनेंशियल लॉस। और फाइनेंशियल लॉस जब आपको हुआ, आपकी फैमिली आपकी स्टेबल नहीं है, आपको अपने जो है पार्टनर के साथ जो है आए दिन झगड़े और प्रॉब्लम्स हैं, वो किन्हीं और दूसरे रूपों में भी आपको जब होंगे, तो आपको इस चीज़ से बहुत आगे जो है वो हर तरीके से शारीरिक फाइनेंशियल लाइफस्टाइल हर तरीके से नुकसान है। सो दोस्तों, इतने सारे नुकसान झेलने के बजाय हमें जो है वो समय पे उसका डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। 100% इसका ट्रीटमेंट है, बट ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपको बहुत बार क्या है कि पूरा कंप्लीट जो वर्कअप है, वर्कअप के बाद के अंदर कोई सर्जरी की ज़रूरत है तो उसमें सर्जरी की जाती है, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन है, काउंसलिंग है, तो उन सब जो चीज़ों के माध्यम से हम स्नोरिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बहुत बार दोस्तों मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो आप ये देखिए कि एक पेशेंट मेरे पास आके मेरे को जो है वो कान पे मेरे फ़ोन लगाता है, डॉक्टर साहब आप सुनिए, आई थिंक मैंने देखा किसी से अप्रोच है, किसी के कारण बात कर रहा होगा, तो मैंने देखा उसमें आवाज़ आ रही घर 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 घर, बोला ये जो है मेरे स्नोरिंग की आवाज़ है जो मेरे दूसरे फ्रेंड ने मेरे को रिकॉर्ड किया है। सो दोस्तों, ऐसा नहीं हो, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो कि आपके जो है वो दोस्त भी आपके पास बैठना नहीं चाहे, आपकी वाइफ भी आपके पास सोना नहीं चाहे, और हर आदमी चाहे कि ये तो बाहर रहे। सो दीज आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्नोरिंग। सो आई थिंक दोस्तों, दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ द स्नोरिंग इज वेरी यूजफुल फॉर यू। यू कैन शेयर टू योर फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द स्नोरिंग। थैंक यू।